इजराइल पर हमले से ठीक पहले अचानक पाकिस्तान पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री, यहूदी राष्ट्र के खिलाफ जाएगा जिन्ना का देश। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची अपनी पाकिस्तान यात्रा पर आज इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि ईरानी नेता इजराइल पर हमले से ठीक पहले पाकिस्तान से सलाह और मदद मांगने के लिए आए हैं। इससे पहले ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को धमकी दी थी। इजराइल पर जवाबी हमले से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची अचानक से सोमवार को पाकिस्तान की अपनी पहली यात्रा पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि वह दो दिनों तक पाकिस्तान के नेताओं से पश्चिम एशिया के तनाव और दोनों देशों के बीच रिश्तों पर गहन बातचीत करेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि इस दौरान व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के हवाई हमले और अब तेहरान के जवाबी अटैक की तैयारी के बीच ईरानी विदेश मंत्री का पहुंचना बड़ा संदेश देता है। ईरान अपने जवाबी हमले से पहले क्षेत्र के देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि ईरान पाकिस्तान से यह आश्वासन चाहता है कि इजराइल संग चल रहे तनाव के बीच वह कोई नया संकट नहीं पैदा करेगा। इससे पहले 26 अक्टूबर को इजराइल ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट भेजकर ईरान के अंदर भीषण हमला बोला था और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इजराइल के हमले में ईरान के 4 सैनिक मारे गए थे। इजराइल ने इराक और सीरिया को भी निशाना बनाया था। वहीं ईरान ने भी 2 अक्टूबर को इजराइल पर बड़ा हमला बोला था और 200 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने कहा था कि उसने हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्ला की हत्या का बदला लेने के लिए ये हमला बोला था। ये दोनों ही नेता ईरान के बहुत करीबी थे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने शनिवार को चेतावनी दी थी कि इजराइल और अमेरिका को करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ईरानी विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट के ताजा हालात के बारे में बताएंगे, साथ ही पाकिस्तान से इसे उबरने के बारे में सलाह और मदद मांगेंगे। पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिसने इजरायली हमले की कड़ी आलोचना की थी। पाकिस्तान ने कहा था कि इजराइल का हमला ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने यहां तक कह दिया था कि उनका देश ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अखबार ने कहा कि शहबाज सरकार ईरानी विदेश मंत्री से अपील करेगी कि वह इजराइल के खिलाफ कूटनीतिक तरीका अपनाए। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल अगर आक्रामक कार्रवाई जारी रखता है तो ईरान अकेले कुछ नहीं कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी रहता है तो इसका असर उसके ऊपर भी आ सकता है। पाकिस्तान की ईरान से लगती 1000 किलोमीटर की सीमा है। ईरान में कोई संकट आता है तो इसका असर पाकिस्तान तक पहुंच सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि इजराइल और ईरान के बीच रिश्ते सामान्य हों। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के मुख्य कमांडर हुसैन सलामी ने रविवार को कहा कि मुस्लिम दुनिया में आतंकवाद और विभाजन के लिए अमेरिका की नीतियां जिम्मेदार हैं। सलामी ने ये टिप्पणी तेहरान में पूर्व अमेरिकी दूतावास के अधिग्रहण की 45वीं वर्षगांठ और वैश्विक अहंकार के खिलाफ लड़ाई के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक रैली में की, जिसे राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार IRGC के मुख्य कमांडर ने समारोह में जोर देकर कहा कि तकफीरी चरमपंथी आतंकवाद की घटना और मुस्लिम दुनिया में खूनी विभाजन सभी अमेरिकी नीतियों के परिणाम थे।